बिहार को इनकी मोदी जी नहीं बदल सकता है, मनीष कश्यप ही बदलेगा। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट है, मनीष कश्यप जिताना है। आज मनीष कश्यप सरकार रहता है तो हम लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, बिहार में नौकरी करना पड़ता है। 8,000 के नौकरी करते हैं, आप बताओ 8,000 के नौकरी में बीवी भी बच्चे पालेंगे कि मैं खुद को अपना देखेंगे, रूम रेंट देंगे कि खाना खाएंगे हम? बिहार में जितने नेता सब है, सबसे अच्छा मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप को बना दिया जाए बिहार बदल जाएगा। मजदूर के लिए आवाज उठाया है, वहाँ जाके एनएसए लगेगा, अच्छा आदमी के लिए एनएसए दबाया जाता है पैर के नीचे, लेकिन तब पर वो लाल है जो उठ के गया है। मजदूर के लिए आवाज उठा, रेलवे स्टेशन में जाके वीडियो बनाए, किसी और मीडिया वाले क्यों नहीं जाके बनाए, उस टाइम क्यों नहीं जाके मार खाए? मनीष कश्यप मार खा के मजदूर के लिए जेल में गया है, जेल काट के निकला, लेकिन वो शेर का बेटा है। जेल से निकलते समय थाने के गेट पे अपना आवाज ऊंचा करके आवाज निकला, जो कहा गए थे उस टाइम नेता क्यों ने फिर दोबारा आंदोलन करके दिखा दिए? तो बिहार में जितने नेता सब है, सबसे अच्छा मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप को बना दिया जाए बिहार बदल जाएगा। तो मनीष कश्यप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोग बिहार वाले का सपोर्ट रहेगा? जी बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। मनीष कश्यप जिताना है, आज मनीष कश्यप सरकार रहता है तो हम लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, बिहार में नौकरी करना पड़ता है। 8,000 के नौकरी करते हैं, आप बताओ 8,000 की नौकरी में बीवी भी बच्चे पालेंगे कि मैं खुद को अपना देखेंगे, रूम रेंट देंगे कि खाना खाएंगे हम? 8,000 का नौकरी, 8,000 की नौकरी में हम दिल्ली जा रहे हैं, बिहार में 8,000 का नौकरी भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा, दिल्ली जाके 8,000 कमा रहे हैं, उतना में अपना बीवी बच्चे पालेंगे कि मैं अपना खुद को सुरक्षित करेंगे? ये बताए क्या करेंगे हम 8,000 की नौकरी में? मैं अगर बिहार में जाता तो सलाह 2,000 रुपया किराया तो बताओ, वो रुपया में बीवी बच्चे को पाल सकता हूँ 2,000 में? ये कहाँ जा रहे हैं बिहार को? क्या बिल्कुल बिहार को बदल सकते हैं? क्या बदल सकता है? बनेगा तो बदल सकता है, बदल सकते हैं। बिहार चिराग पासवान है, मनीष चिराग पासवान है, मनीष कश्यप, ये दोनों में से कोई बन सकता है तो बदल सकता है। वो बोलता है इंदिरा आवास घर बना देंगे, घर घर से क्या होगा, हम लोग को मजदूरी मिल जाएगा, अपने आप घर बना लेंगे। मजदूरी जब करेगा आदमी, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो घर में रह के क्या करेगा? खाना मिलेगा तभी तो घर में रहेंगे, जब खाना ही नहीं रहेगा तो घर में बैठ के क्या रहेगा? जितने भी नेता पार्टी सब खड़ा होते कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, बिहार में रोजगार है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार है। ये सब बिहार में रोजगार क्यों नहीं आप लोग पूछते? जब वोट इलेक्शन आता है तो आप लोग पूछते हैं उनसे? वो तो अपना बहाना बना करके वोट ले लेता है, बाकी गरीब को कुछ नहीं करता है, गरीब के लिए कुछ नहीं सोचता है। दिल्ली जा रहे हैं, पैसा कमाने नहीं है, अंदर जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है, ये जगह कब बनेगा? सरकार को समझना चाहिए ना ये बात। और बोलिए आप, यही तो देखिए समस्या क्या हो रहा है। टिकट काट दिल्ली नहीं, दिल्ली अरे भाई मनीष कश्यप को बोला फिर सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बदल जाएगा बिहार। हाँ बिहारी साथ के नाम बताएंगे, साथ अगर इलेक्शन लड़ेगा तो बहुत बिहारी साथ देगा, तो बहुत आदमी साथ देगा, जो अच्छा आदमी रहेगा वो तो साथ देगा, जो गड़बड़ आदमी रहेगा वो नहीं देगा साथ। अच्छा आदमी जो रहेगा, ईमानदार आदमी, वो मनीष कश्यप को ही साथ देगा, सपोर्ट करेगा, और जो गलत रहेगा, खाने पीने वाला रहेगा, घूस खाने वाला रहेगा, वो नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करेगा। यही बात है, बहुत विकास करेगा, अगर आ जाएगा तो बहुत विकास होगा, मनीष कश्यप आएगा तो। बिहार को इनकी मोदी जी नहीं बदल सकता है, मनीष कश्यप ही बदलेगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या काम करते हैं वहाँ? पेंटर है हम। पेंटर है, क्या बिहार को कौन बदल सकता है? ये तो वही बदलेगा ना मनीष कश्यप। क्या बिहार में रोजगार का साधन, जितने भी नेता है, जितने भी पार्टी है, कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, रोजगार है, क्या बिहार में रोजगार नहीं है? क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सब सरकार है। तो सरकार से आप लोग कभी पूछे हैं? हम लोग पूछेंगे। क्या वोट देते हैं? वोट देने का आप सरकार प्रधानमंत्री बनाए कैपेसिटी आपके पास है, मुख्यमंत्री बनाने का कैपेसिटी आपका, वोट देने का जब कैपेसिटी है तो पूछने का भी अधिकार आपके पास है ना? आजकल कोई सुनता है किसी का? कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। क्या वोट देकर सिर्फ आप मंत्री बनाइएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा? वोट के समय में आता है, खाली वोट देने के लिए। वोट के समय वोट देने के लिए और क्या? जिम्मेदार आप लोग भी नहीं होइएगा, तो जब तक बिहार के लिए आप आवाज नहीं उठाइएगा।